हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो है ट्रांजिशन एफटीएम चेस सर्जरी गाइड, टॉप सर्जरी हिंदी में, फीमेल टू मेल, यानी फीमेल से मेल के लिए जो होने वाली टॉप सर्जरी है उससे रिलेटेड। मेरा नाम है श्री चंद्रन। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और टॉप सर्जरी से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ लेते हैं। टॉप सर्जरी होती क्या है उसका एक परिचय देना चाहूँगा मैं यहाँ पे आपको। टॉप सर्जरी महिला से पुरुष बनने की एक लिंक पुष्टि प्रक्रिया है और मेल के लिए ये जो एक मर्दाना छाती बनाता है उनके लिए भी ये उपयुक्त प्रक्रिया है। टॉप सर्जरी में ब्रेस्ट रिमूवल यानी मेस्टेक्टॉमी और पुरुष चेस्ट कॉन्टेरिंग शामिल है और इसमें निप्पल ग्राफ्ट या निप्पल एरोल का आकार बदलना और रिपोजिंग भी शामिल हो सकता है। टॉप सर्जरी ट्रांस मर्दाना यानी ट्रांसमैन लोगों के लिए सबसे अधिक प्रदर्शन किया लिंग पुनर्मिलन यानी जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी है। टॉप सर्जरी से बहुत सारे फायदे भी होते हैं कि टॉप सर्जरी एक व्यक्ति को अधिक आराम से जीने में मदद करती है, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कामकाज में सुधार करती है और यह एकमात्र सर्जिकल कदम भी है जो कोई अपने ट्रांजिशन में ले सकता है। इससे बहुत ज़्यादा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जिन जो गलत बॉडी में फंसे होते हैं उनके लिए ये एक कदम भी काफ़ी हद तक मायने रखता है। और मुख्य सिद्धांत या प्रोसीजर जो होते हैं इसमें ये चार सिद्धांतों पे काम करता है। पहला तो स्तन उत्तक यानी कि ब्रेस्ट टिश्यूज और स्किन की अतिरिक्तता को हटाना यानी जो बल्कीनेस है उसको हटाना। दूसरा निप्पल और एरोला की सही तरीके से काम करना और जगह पर लगाना। स्किन के किसी कारण से यदि मोड़ हो तो उसको हटाना यानी चेस्ट में अगर स्कार या दाग हो तो उसको भी कम करने के लिए हम टॉप सर्जरी करवा सकते हैं। टॉप सर्जरी के प्रकार होते हैं बहुत अलग अलग, तो उनमें से कोई कौन सा आपके लिए उपयुक्त है ये आपके चेस्ट साइज और इन सब चीज़ों काफ़ी सारे मैटर्स होते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारे इसके प्रोसीजर्स हैं। अब इसमें से कौन सा आपके लिए उपयुक्त है, कोई भी एक उपयुक्त हो सकता है, कोई भी दो उपयुक्त, तो ये आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला होता है बटन होल तकनीक, दूसरा होता है डबल इंसिशन तकनीक, तीसरा होता है इन्वर्टेड टी या टी एंकर बोलते हैं इसको, चौथा होता है की होल सर्जरी और पांचवा होता है पेरियोरियोलर सर्जरी और छठवा होता है न्यूनतम निशान यानी मिनिमल स्कार सर्जरी। हम पहले बटन होल सर्जरी के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो बटन होल तकनीक उन लोगों के लिए एक आदर्श एफटीएम टॉप सर्जरी प्रक्रिया है जो निप्पल एरोला का आकार, स्थिति, सनसनी और रंजकता के वो प्राथमिकता देते हैं। यह भी डबल इंसिशन टॉप सर्जरी के समान है। दो क्षैतिज चीरों को पेक्टोरल मांसपेशी और स्तन ऊतक के ऊपर और नीचे बनाया जाता है और अतिरिक्त त्वचा को हटा दिया जाता है और निप्पल ग्राफ्ट का उपयोग करने के बजाय निप्पल एरोलर कॉम्प्लेक्स को फिर से आकार दे दिया जाता है और एक पतली त्वची पैडल के माध्यम से नसों और रक्त की आपूर्ति से जुड़ा होता है जो सनसनी को संरक्षित करता है। इसमें आप ये बोल सकते हैं कि ये जैसे ये आप चित्र देख रहे हैं, अभी चित्र में जो रेड रेड निशान आपको दिख रहे हैं ये यहाँ से स्किन एक्चुअली कट जाती है, काट के वहाँ से स्किन एक्स्ट्रा स्किन को काट दिया जाता है, अंदर से इसके ब्रेस्ट टिश्यूज को निकाल दिया जाता है और यहाँ से सिल दिया जाता है। तो एक जो बटन होल की सिलाई होती है वैसी सिलाई होती है इसमें और आप निप्पल एरोला का आकार इसमें बदल के वापस से सिल दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम डबल इंसिशन सर्जरी की तरफ। जिनके ब्रेस्ट मध्यम से बड़े होते हैं उनके लिए यह सर्जरी ज़्यादा अपनाया जाता है। यह प्रक्रिया में चेस्ट की स्किन को दो क्षैतिज इंसिशन एक ऊपर और नीचे की तरफ पेक्टोरल पेशी से खोला जाता है। इसमें मांसपेशियों को नहीं छुआ जाता, स्किन को पीछे की तरफ करते हैं और ब्रेस्ट टिश्यूज को निकाल दिया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो रेक्टेंगुलर आपको दिख रहा है इसके अंदर यहाँ पे आपको रेड निशान दिख रहा है, ये कट जो लगा हुआ है ब्रेस्ट के ऊपर इससे काटा जाता है इसको और नीचे की तरफ से भी काटा जाता है और इस स्किन को पीछे करके इसके अंदर से ब्रेस्ट टिश्यूज निकाल दिए जाते हैं और ये स्किन को खींच के फिर इस तरीके से यहाँ पे सिलाई कर दी जाती है और बाद में ये निप्पल एरोला जो होता है इसको साइज करके उसके ऊपर से सिल दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम इन्वर्टेड टी सर्जरी की तरफ। इन्वर्टेड टॉप सर्जरी प्रक्रिया मध्यम से बड़े छाती वाले व्यक्तियों के लिए आदर्श है जो निप्पल एरोला कॉम्प्लेक्स में सबसे अधिक सनसनी को बनाए रखना चाहते हैं।
अब इस सर्जरी में आप देख सकते हैं इन्वर्टेड टी यानी कि उल्टा टी, ये बड़ी बड़े ब्रेस्ट वालों के लिए बहुत अच्छी सर्जरी होती है। इसमें ये तो है कि इसमें स्कार ज़्यादा रहता है, यहाँ क्या करते हैं हम निप्पल के नीचे से, एरोला के नीचे से एक सीधी रेखा रहती है, वहाँ से स्किन को काटा जाता है और नीचे टी के आकार से कटा होता है, वहाँ से ये निकाल के स्किन को हटा के वहाँ से टिश्यूज़ को निकाल लिया जाता है और वापस से इसकी सिलाई कर दी जाती है। तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कार आता है, इसमें ये एक चीज़ होती है कि इसमें स्कार बहुत निशान आपको दिखेंगे इसमें। नेक्स्ट आते हैं हम की होल सर्जरी की तरफ। की होल सर्जरी ये जिनके ब्रेस्ट बहुत छोटे होते हैं उनके लिए बहुत उपयुक्त सर्जरी होता है। इसमें क्या होता है कि टिश्यूज निकालने के लिए हम सिर्फ ब्रेस्ट जो एरोला है वहाँ से छोटा सा कट लगाते हैं, निप्पल एरोला के उधर से छोटा सा कट लगा के लेपोसेक्शन के द्वारा जितनी भी ब्रेस्ट टिश्यूज है उसको हम निकाल लेते हैं। और सिर्फ या तो इसमें अगर यदि कोई निप्पल का साइज़ बड़ा हो तो निप्पल के साइज़ को कट करके छोटा कर सकते हैं, इसमें एरोला के आकार को नहीं बदला जाता है इसमें। और ये आप देख सकते हैं इसमें छोटा सा कट लगा हुआ है, यहाँ पे ये लाल निशान देख रहे हैं आप, यहाँ पे छोटा सा कट लगा हुआ है, तो यहाँ पे स्कार भी बहुत कम होता है। नेक्स्ट आते हैं हम पेरी एरियोलर सर्जरी की तरफ। पेरी एरियोलर टॉप सर्जरी उन लोगों के लिए अच्छा है जिनकी भी स्किन मतलब ब्रेस्ट छोटे हैं, स्किन थोड़ी लचीली होती है, बी टाइप के आकार की छाती हो जिनकी। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि एक चीरा अपन एरोला की तरफ गोले वाला चीरा लगता है, उसके ऊपर फिर एक और बड़ा चीरा लगता है गोला, जिससे एक रिंग के आकार की स्किन बन जाती है। उस स्किन को हम निकाल लेते हैं और अंदर से फिर ब्रेस्ट टिश्यूज को लेपोसेक्शन के द्वारा निकाल दिया जाता है। उसके बाद जो बड़ी स्किन के जहाँ से बड़ा स्किन निकाला गया वहाँ से उस स्किन को खींच के ड्रॉ स्ट्रिंग टेक्निक के द्वारा उसको खींच के एरोला के साथ सील दिया जाता है। अब इस प्रक्रिया में एक यही बहुत दिक्कत वाली बात होती है कि जब हम बड़ी स्किन को छोटी स्किन के साथ जोड़ते हैं तो उसमें चुन्नट सी बन जाती है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये छोटी छाती वालों के लिए सबसे उपयुक्त है। बड़ी छाती वालों के लिए स्किन साइज़ ज़्यादा होती है तो चुन्नट ज़्यादा बनेंगे। इसमें आप चित्र में देख सकते हैं, चित्र में ये दिख रहा है आपको कि किस तरीके से दो सर्कल बने हुए हैं, वो सर्कल बड़े वाले सर्कल को खींच के एरोला की तरफ लाया गया है और सील दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं हम मिनिमल स्कार टॉप सर्जरी की तरफ। तो इसे कहते हैं हम न्यूनतम निशान। न्यूनतम निशान से ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें निशान कम बनते हैं, स्कार कम बनता है। इसमें क्या होता है कि छोटा चीरा लगता है, वहाँ से अंदर से सक्शन फिर ब्रेस्ट टिश्यूज को निकाल दिया जाता है, तो ऐसे चारों तरफ चीरे लगा के सिर्फ किया जाता है। तो ये चीरा इतना छोटा होता है कि वापस से वो ठीक हो जाता है जल्दी। ये सर्जरी वैसे अभी तक किसी की सुनी नहीं है मैंने, यहाँ पे अभी हुआ नहीं है कहीं पे यहाँ पे। तो ये सर्जरी आप देख सकते हैं, ये यहाँ छोटा सा एक निशान बना है और एक यहाँ पे निशान बना हुआ है। ये उपयुक्त सर्जरी है देखा जाए तो, स्कार भी कम है। बस अब इसमें यही है कि टिश्यूज़ कौन कौन से मतलब ब्रेस्ट का साइज़ और डॉक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन कौन सी सर्जरी वो आपके ऊपर कौन सी सर्जरी कर सकते हैं। ये जितनी भी सर्जरियाँ हैं जितनी भी मैंने यहाँ पे बताई है इनमें से सभी सर्जरी हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि हर व्यक्ति की सर्जरी अलग होती है। सर्जरी ज़्यादातर व्यक्ति के स्वास्थ्य अवस्था, उसका लाइफस्टाइल, उसका सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद केयर करने का तरीका, यह सब मायने रखता है। 100% में से 90% लोग कीहोल या पेरीएरोलर सर्जरी के लिए उपयुक्त नहीं होते, क्योंकि सबके ब्रेस्ट टिश्यूज इतनी कम नहीं होती है। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है, साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण सर्जरी का प्रोसीजर कौन सा उपयुक्त होगा वो आपके लिए वो आपका डॉक्टर ही बता सकता है आपको। तो आप जब जाएंगे वो आपको वो टेस्ट करेगा और उसके बाद बताएगा। ये सब जानकारी आपको पहले से इसलिए पता होनी चाहिए कि आप ये बोल सके या पूछ सके डॉक्टर से कि यही सर्जरी क्यों उपयुक्त है मेरे लिए। तो आपको सारी सर्जरी के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। टॉप सर्जरी में लगने वाला जो कॉस्ट होता है वो 30,000 से 55,000 के करीब होता है।
अब ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है या कहीं आपको हो सकता है कि कहीं डिस्काउंट मिल जाए या कुछ हो जाए, बाकी इसके बीच में ही लगती है सर्जरी की कॉस्ट, और कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, प्रोसीजर के ऊपर डिपेंड करता है उसके, और आप कहाँ पे करवा रहे हैं सर्जरी, डॉक्टर के ऊपर है, हॉस्पिटल कौन सा चुन रहे हैं उसके ऊपर आपकी सर्जरी का कॉस्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। फिर आप कहीं बाहर जाके करवा रहे हैं तो वहाँ के होटल का खर्चा, रहने का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, ये सब मिला के ये कॉस्ट ऊपर ज़्यादा भी कम ज़्यादा हो सकता है, इससे भी ज़्यादा। यहीं पे हमारे टॉप सर्जरी से रिलेटेड सारी जानकारी हो चुकी है। तो यहाँ पे आज कौन कौन से टॉप सर्जरी होते हैं उसकी जानकारी दी हुई है, आगे की जो भी वीडियोस होंगे उसमें किस तरीके से सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद अपना ध्यान रखना है उसकी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। और बहुत लोगों को इंग्लिश में दिक्कत आती है, इस कारण मैंने यह हिंदी में बनाया है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो आप लोगों को, मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मुझे। मेरा इंस्टाग्राम पेज है ट्रांसमैन ऑफ इंदौर अंडरस्कोर इंडिया। कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन बहुत ज़्यादा शुभ हो। धन्यवाद।